अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड बाय अरीब। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मंचूरियन मैक्रोनी। ये हम बेक पार्लर्स के पैकेट से बनाएंगे जो बाज़ारों में इजीली मिल जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए होगा बेक पार्लर का एक चिकन मंचूरियन का पैकेट। इसके अंदर हमें दो चीज़ें मिल जाती हैं, एक हमें इसका मसाला मिल जाता है और मैक्रोनी मिल जाती है। ये इसका मसाला सैचेट है और ये मैक्रोनी का है। पहले हम मैक्रोनी बॉईल कर लेते हैं। मैक्रोनी बॉईल करने के लिए हम यहाँ पर पहले एक सॉस पैन ले लेंगे। उसके लिए हमने पानी भर लिया है 6 कप। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1 टी स्पून। अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल, हम डालेंगे इसके अंदर 1 टी स्पून। तेल भी हमने इसके अंदर डाल दिया, अब इसमें बॉयल आने देंगे। तो इसके अंदर बॉयल आ चुका है। अब हम इसके अंदर मैक्रोनी का पैकेट डाल देंगे। मैक्रोनी का पैकेट डालने के बाद हम इसको बॉयल करेंगे। 10 से 12 मिनट के लिए। तो ये देखिए 10 मिनट बाद ये बॉयल हो चुकी है। अब हम इसको छान लेंगे और इसको साइड में रख लेंगे। जब हम ये छान लेंगे उसके बाद हम अपने चिकन रेडी करेंगे। अब हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर हम डालेंगे 4 टेबल स्पून तेल। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे 250 ग्राम चिकन बोनलेस। इसको मैंने क्यूब में कट कर लिया था छोटे छोटे। अब हम चिकन को जब तक पकाएंगे, चिकन जब तक अपना कलर चेंज ना कर ले। तो देखिए चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसके अंदर बेक पार्लर का मसाले वाला साशे डाल देंगे। ये मैं डब्बे के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक नहीं बना रहा हूँ, ये मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को अपनी चिकन में। हमने चिकन में अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम इसके अंदर डालेंगे आधी शिमला मिर्च और आधी प्याज। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम इसके अंदर कुछ सॉसेज डालेंगे। चिली सॉस डालेंगे 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग और इसको पकाएंगे हम लोग 3 मिनट के लिए। हमने इसको पका लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप टोमेटो केचप। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक बॉयल आ जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप पानी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसको पकाएंगे अब जरा सा 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे हम इसको। तो ये देखें ये गाढ़ी गाढ़ी भी हो चुकी है। थोड़ा सा और पकाएंगे इसको हम, थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। और तो ये देखें ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी बॉयल्ड मैक्रोनी जो हमने बॉयल करके छान के रखी थी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सॉस के अंदर अपनी मैक्रोनी को। तो ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो गई है। इसके ऊपर मैंने हरी मिर्च डाल दी है चॉप्ड हुई भी। अब इसको और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो हमने इसको प्लेट में निकाल लिया था, ये रेडी हो गई थी। अगर आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और हमारी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।